हेलो नमस्कार, आज हम देखेंगे कि बैंगन का भरता कैसे बना है ना। ये मारू बटा है, मारू बैंगन है ना। तो इसमें ना हम तेल लगा लेंगे पहले, और तेल लगाने के बाद में इसको है ना हम गैस पे रख देंगे। जब तक है ना हमारा बैंगन बुन रहा है, जब तक है ना हम टमाटर काट लेते हैं है ना। तो टमाटर हमको है ना 2, 3, 4 आप कितनी भी डाल सकते हैं है ना। मैं ना 3 टमाटर डालूँगी इसमें। ये देखिए है ना, जो टमाटर होते हैं ना उनको छोटे छोटे काटना है, ऐसे है ना, चॉपिंग नहीं करनी है और ग्रेवी भी नहीं डालनी है ना। कटिंग करके डालने से है ना उसका टेस्ट है ना अलग आता है। तो छोटा छोटा है ना बारीक बारीक हाथ से चॉपिंग कर लें या कटिंग कर लें और काट के रख लें बारीक बारीक है ना। जैसे मैंने काट लिया है, ये मेरे टमाटर भी कट गए हैं। और है ना कई तरीके से बनाया जाता है। मैं इसमें है ना ना तो प्याज डालूँगी ना ही गार्लिक डालूँगी है ना। तो हम है ना सिंपल बनाएंगे, नो गार्लिक नो ऑनियन है ना। तो टमाटर कट के हमारे रेडी हो गए हैं, ये देखिए है ना, चॉपिंग कर लें बस है ना। चॉपर में नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट है ना उसका ख़राब हो जाता है ना। तो 2 हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि एक और काटना चाहिए, तो मैं एक और काट लेती हूँ है ना। ये शायद है ना डबल आ गया है इसमें। ये टमाटर हमारे रेडी हो गए हैं, और अब हम है ना बैंगन देख लेते हैं। हमारा बैंगन भी हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए है ना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट 1.5 मिनट लगता है। ये 5 मिनट रेसिपी है, ये देखिए। इसके छिकल निकाल दीजिए, अच्छे से निकल जाते हैं ये। थोड़ा सा गुनगुना रहेगा ना तभी निकालना है, नहीं तो फिर है ना स्मेल आ जाती है उसके अंदर है ना। तो ये प्रोसेस है ना साथ साथ में हमारा चल रहा है, चॉपिंग भी चल रही है और ये क्लीनिंग भी चल रही है, ये देखिए है ना। तो इसके सारे है ना जो सेल्स है ना निकाल लें, छिक्कल है ना उसका सारा निकाल लें, ये देखिए। और अंदर से ऐसे फाड़ के देख लें कि है ना उसमें कीड़ा रहता है कभी कभी, तो कीड़ा तो नहीं है। वैसे तो हमने फ्रेश देख के लिया था। अब हम एक पैन लेंगे और ऑयल लेंगे। ये 5 स्पून ऑयल है हमारा, जो टेबल स्पून होता है ना वो, माने 50 ग्राम ऑयल है। और हम बैंगन को है ना फोर्क से ऐसे निकाल लेंगे, पीसना नहीं है, पीसने से टेस्ट ख़राब हो जाता है ना। तो आप उसको मैश कर लें ऐसे ही, ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना फोर्क से, तो इसका टेस्ट और है ना उसका टेक्सचर है ना अलग आता है एकदम से है ना। तो ये देखिए आप है ना फोर्क से है ना इसको ऐसे कर लें। टमाटर हमारे रेडी हो गए हैं। हमें मिर्ची ले रही हूँ, ग्रीन चिल्ली है ना, 4-5 ले लें आप आराम से। जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, और हम हरी मिर्च डालेंगे, ये देखिए है ना। तो हमको किसी को जलाना नहीं है, ये देखिए है ना, मैंने साथ ही डाला है, बस कड़क गया है अच्छे से हमारा ऑयल है ना। अब हम टमाटर छोड़ दिए हैं सारे, 3 टमाटर छोड़ देंगे हाँ। अब हम चलाएंगे इसको, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको है ना मैश कर लें, क्योंकि थोड़े से है ना हमारे टमाटर है ना गल भी जाएंगे जब हम नमक डालेंगे, तो ये गल जाएंगे। नमक डाल दीजिए, आधा नमक डालिए इसमें, ज़्यादा नहीं डालना है। और आधा नमक हम इसमें डालेंगे बैंगन के भरते में, ये देखिए। और उतनी ही मिर्ची डालेंगे हम, आधी स्पून। इसमें थोड़ी मिर्ची ज़्यादा लग जाए तो अच्छा लगता है, डल जाए तो। और इसको है ना मैश कर लेंगे, ये देखिए। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे है ना बैंगन के भरते में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, और टेक्सचर तो बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए हमारे टमाटर हो गए हैं ये, ये देखिए। इसको साइड में कर लेंगे अब। अब हम है ना अपना बैंगन का जो भरता हमने तैयार किया है ना वो डाल देंगे, ये देखिए। पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, बैंगन के भरते में पानी नहीं होना चाहिए। और है ना फ्लेम हमारा हाई है अभी है ना। सारा डाल दीजिए पहुँच के, ये देखिए है ना जी। आधे आधे पोर्शन में चल रहा है, कढ़ाई में भी आप ऐसे कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे इसको है ना मिला दीजिए, ये देखिए है ना। इससे क्या रहेगा ना आपके भरते में ना, एक तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, और टेक्सचर के साथ साथ कलर भी आएगा, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। मैं कई तरह के बनाए, मैं दही वाला भी बनाती हूँ, वो भी मेरी वीडियो में है, बैंगन का भरता दही वाला। तो उसमें ना प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने, ये देखिए।
आप है ना प्याज, कच्ची प्याज, लहसुन डाल के ऊपर से और धनिया डाल के खा सकते हैं। इसको ब्रेड में लगा के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी तो है ही है। फिर ये देखिए, आप चपाती से खाइए, आप है ना पराठे से खाइए, ब्रेड से खाइए, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है ना, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, और 2-3 दाने शक्कर के डालने हैं मैंने, 2-3 दाने ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।